ये हमारे पास कैनन का एक मशीन है, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो इसका आप सेंसर कैसे जानेंगे कि कौन सेंसर कहाँ है? तो आप जब यहाँ पे सर्विस पोर्ट पे जाते हैं, सर्विस में जाते हैं, तो अगर यहाँ पे आपको जैसे कि जाम में आ जाइए, तो यहाँ पे अगर सब कुछ शो करते हैं, देखिए इस तरीके का शो कर रहा है, ठीक है। तो ये जाम टाइप जो लिखा है डोर ओपन, मतलब ये चलते हुए डोर ओपन हो गया था, तो इस वजह से डोर ओपन और सारा सेंसर नंबर शो कर रहा है। तो इसमें ज्यादातर सेंसर क्या होता है ना, तो आप ये सेंसर नंबर जो यहाँ लिख रहा है, तो ये सेंसर नंबर कहाँ कहाँ होता है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ज्यादातर एक नंबर पिकअप का जो होता है, एक नंबर मतलब एक नंबर ट्रे से जो आपका ये होता है, तो उसे PS10 मतलब 10 नंबर सेंसर उसको बोला जाता है, वो PS10 होता है। और सेकेंड ट्रे होता है PS11, ठीक है। और अगर आपका जो डिस्प्ले में अगर जो सेंसर शो करे, तो उसी हिसाब से बोल रहा हूँ, तो 10 होता है 10 आपका एक नंबर ट्रे, और 11 होता है 2 नंबर ट्रे। ये आपका रजिस्ट्रेशन लीवर का लीवर है, तो इसका एरर होता है PS9। ये आपका अगर PS9 शो करे, तो इस लीवर का प्रॉब्लम, या फिर इसके सेंसर यहाँ पे सेंसर होता है, इसका प्रॉब्लम होता है। अगर PS13 आए, तो PS13 होता है फ्यूजर असेंबली के अंदर में एक लीवर लगा होता है, देखिए ये यहाँ पे लाइट दे रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। ये जो लीवर लगा हुआ है, तो ये कभी कभी जाम भी जाम हो जाता है, कभी कभी आप इस साइड से आप थोड़ा अप डाउन करके यहाँ से देख सकते हैं, जाम हो जाता है उसका सेंसर भी इस तरह। ये PS13, अगर PS14 शो किया, तो ये आप यहाँ पर डिलीवरी सेंसर जो होता है PS14, ये आपका इस साइड में यहाँ तक का लीवर आता है, तो ये PS14 है। यहाँ का अगर जाम हो, तो अगर फ्यूजर इसके अंदर पेपर जाम हो, तो फ्यूजर ग्रीस कर देने से आपका ठीक हो जाएगा। फ्यूजर ग्रीस करने का भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल में विजिट करके देख सकते हैं। अगर PS17 आ रहा है, तो ये होता है डुप्लेक्स सेंसर, इसके अंदर यहाँ पे तो दिखाई नहीं देगा, बट इसके अंदर एक सेंसर है, ठीक है। इसके अंदर पे एक सेंसर है, जिसको PS17 किया कर रहता है, जो कि डुप्लेक्स सेंसर होता है। अगर डुप्लेक्स में आपका सिर्फ पेपर यहीं तक जाम होता है आगे, तब भी आप इसको साफ कर देने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसमें ज्यादातर इतने ही सेंसर का एरर दिखा रहा है, बाकी और कुछ नहीं। अब ज्यादातर आपका इसमें फिक्सिंग यूनिट प्रॉब्लम होता है, फ्यूजर आपका एसएम से ठीक ग्रीस कर देंगे, वो आपका सही हो जाएगा। थैंक यू।